गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना सैबी जॉली। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेक्टोरियल मसल यानी चेस्ट के वर्कआउट के बारे में। आज की वीडियो में बात करेंगे। मुझे बहुत लोगों ने डीएम भी करा था, सर चेस्ट का वर्कआउट लेके आओ होम सीरीज में। तो मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ चेस्ट का होम वर्कआउट सीरीज बता रहा हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं, होम वर्कआउट सीरीज मैंने स्टार्ट करी है यूट्यूब पे, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप उसमें जाके सारे वर्कआउट चेक कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ होम वर्कआउट सीरीज में हम खाली दो ही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। एक ये हम रजिस्टर बैंड सेट यूज़ कर रहे हैं और एक हम ये दो डंबल की सीरीज यूज़ कर रहे हैं। ये दो चीज़ों से हम सारे वर्कआउट करेंगे, सारे वर्कआउट बताऊंगा हर बॉडी पार्ट के। जिन्होंने मेरी बाकी वीडियो नहीं देखी जल्दी जाके वो वीडियो भी देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दे और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलना। ये वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको मजा जरूर आएगा वर्कआउट करने में। और नई नई चीजें मैं आपको बताऊंगा होम वर्कआउट में कि कैसे क्या क्या कर सकते हैं हम घर पे वर्कआउट। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट गाइस। चेस्ट मारेंगे, पेक्टोरियल मसल को पंप करके छोड़ेंगे आज घर में ही बैठे बैठे। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वर्कआउट नहीं करा तो घर में स्टार्ट करना चालू करें होम वर्कआउट में, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को। और डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो होम वर्कआउट के बारे में देखना मत भूलना। और स्टार्ट करते हैं वर्कआउट, आज हम मारेंगे चेस्ट। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट गाइस। आज वर्कआउट मारते टन टन चेस्ट मारेंगे आज, चलो। गाइस वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है, हर बॉडी पार्ट में वार्म अप करना जरूरी है। चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, चेस्ट में हम वार्म अप करेंगे, पुशअप से स्टार्ट करेंगे, इसके 10 से 16 रेप्स निकालेंगे। आ जाओ गाइस पुशअप मारते हैं साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये था चेस्ट का वार्म अप करा, हर बॉडी पार्ट से पहले हमें वार्म अप करना जरूरी है जिससे हमारी बॉडी एकदम खुल जाती है। मेरी भी थोड़ी बहुत खुल गई है चेस्ट का वार्म अप करके पुशअप करके। अब हम पहली एक्सरसाइज करेंगे, पहली और दूसरी एक्सरसाइज का सुपर सेट कॉम्बिनेशन सेट है जो हमें बिना रुके एक साथ मारनी है। पहली एक्सरसाइज हम करेंगे चेस्ट की डंबल प्रेस करेंगे और उसी के साथ हम डंबल फ्राई करेंगे बिना रुके। आ जाओ भाई स्टार्ट करते हैं दोनों एक्सरसाइज एक साथ। चेस्ट डंबल प्रेस मारेगा हम, आ जाओ। ये चेस्ट डंबल प्रेस हो गई है, अब हम चेस्ट डंबल फ्लाई मारेंगे, इसी पे बैठे बैठे मारेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। गाइज ये था चेस्ट का सुपर सेट था दो एक्सरसाइज का। पहले हम चेस्ट डंबल प्रेस मारी और दूसरी हमने चेस्ट डंबल फ्लाई मारी। ये मैंने घर पे बेंच पे बैठ के मारी, घर के जिम में तो हमारे पास बेंच पूरा प्रॉपर होता है। होम वर्कआउट सीरीज चल रही है इसमें हमने घर पे ही टेबल ले लेना या जमीन पे लेट के भी मार सकते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है गाइज, ये दो एक्सरसाइजों से आपका पंप थोड़ा बहुत दिखने लग जाएगा आपको। गाइज हम तीसरी एक्सरसाइज चेस्ट की हम करेंगे चेस्ट इंक्लाइन डंबल प्रेस मारेंगे जो कि हम दो डंबल से करेंगे। होम वर्कआउट सीरीज चलिए मैं घर के इक्विपमेंट से आपको बताऊंगा कैसे करना है। इसके लिए हमें जमीन पर लेट जाना है, दो डंबल चाहिए और थोड़े दो तीन पिल्लो चाहिए जो मैं ले रहा हूँ वर्कआउट के लिए। 1 2 3 ये पिल्लो को हमने सेंटर पे रख देना है ऐसे ऐसे। ये इंक्लाइन की पोजिशन बन गई है, अब हम लेट जाएंगे। ये पूरी बन गई इंक्लाइन की पोजिशन, अब हम करेंगे डंबल प्रेस इंक्लाइन डंबल। ये थी इंक्लाइन डंबल प्रेस, इसका इफेक्ट उतना ही आएगा जितना हम जिम के बेंच पे लेट के इंक्लाइन पे करते हैं। होम वर्कआउट सीरीज चल रही है तो घर पे लेट के भी यही इफेक्ट आएगा, पिलो ले लेने बस हमें
और ये इफेक्ट पूरा चेस्ट की इंक्लाइन मसल पे ही आएगा। आप खुद करके देखिए, मेरे को कमेंट में जरूर बताना अगर आपको इफेक्ट इससे आएगा। गाइज अब हम चौथी एक्सरसाइज करेंगे जो कि डिक्लाइन डंबल प्रेस मारेंगे, जो कि फिर हमें जमीन पर लेट के करनी है। होम वर्कआउट सीरीज चलिए तो घर के चीजों से ही आपको बताऊंगा। नीचे लेट जाते हैं, ये डंबल ले लिए हमने, ये 90 डिग्री बन गया। अब हिप को हमें पूरे उठा लेने हैं हवा में और ये मारने ऐसे, हिप को ऊपर ही रखने हैं जिससे हमारी डिक्लाइन पर पूरा इफेक्ट आएगा। ये हमने करी है डिक्लाइन डंबल प्रेस मारी है जिससे हमारी चेस्ट की डिक्लाइन मसल पे इफेक्ट आया। आप देख सकते हैं पूरी चेस्ट थोड़ी बहुत पंप होने लगी है हमारी, देख सकते हैं आप। अब हम करेंगे फिफ्थ एक्सरसाइज जो कि हम क्रॉस ओवर फ्लाई करेंगे, जो कि मैं आपको रजिस्टर मैन से भी करके बताऊंगा। आ जाओ गाइस, अब हम कर रहे हैं केबल क्रॉस ओवर कर रहे हैं, जो कि मैं रजिस्टर मैन से आपको करके बता रहा हूँ। जिम में तो हमारे पास केबल की पूरी मशीन होती है, बट ये एक्सरसाइज करते वक्त ना लोग कुछ ज़्यादा आगे चले जाते हैं जिससे हमारी शोल्डर मसल पे दिक्कत होती है, शोल्डर पे इंजरी का भी रिस्क होता है, मूवमेंट शोल्डर पे आती है, चेस्ट पे इफेक्ट नहीं आता। इसमें हमें थोड़ा सा पीछे रहना और चेस्ट को ऑफ रखना और ऐसे करना है, और एल्बो को भी ज़्यादा ऊपर नहीं लेके आना, कम रखना नॉर्मल, और ऊपर ज़्यादा लेके आएंगे तो शोल्डर मूवमेंट आएगी। अब ये देखो हमारी पूरी चेस्ट पे मूवमेंट आ रही है, एक सेकंड होल्ड करना है फिर खींचना, होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज से मेरा तो पंप आपको दिख रहा होगा, चेस्ट पे पूरी चेस्ट की हर मसल पंप हो गई है एकदम लगभग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, आपको मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने में। वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज करने लगे जो कि सिक्स एक्सरसाइज है, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज है, लेइंग प्लेट प्रेस मारने लगे हैं, जो कि हम बेंच पे लेट के एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत लोग जिम में करते नहीं है, हर किसी को वर्कआउट में ऐड करनी चाहिए, क्योंकि इनर चेस्ट को ये ट्रेन करती है, इसकी लाइन को ग्रो करती है, मसल को ग्रो करती है। लोग डंबल प्रेस, चेस्ट प्रेस, डिक्लाइन प्रेस, ये सारी वर्कआउट में ध्यान देते हैं, इनर चेस्ट की लाइन के लिए कोई ध्यान नहीं देता। इसके लिए आपको लेइंग प्लेट प्रेस करनी है, जो कि मैं आपको लेट के करके बता रहा हूँ, इससे हमारी अंदर की लाइन की मसल ग्रो करेगी, एकदम लाइन एकदम टाइट बाहर निकलेगी। एक सेकंड के लिए होल्ड करना है आपको ऊपर और नीचे, ये थी लेंग प्लेट प्रेस थी। इसमें मैंने दो प्लेट से करा है, अगर आपने कभी भी एक्सरसाइज नहीं करी तो आप एक प्लेट लाइट वेट से करना, रेपिटेशन जितने ज्यादा हो सके निकालें, 12 से 16 में निकाल सके, वेट लाइट है कभी भी नहीं करी तो ज़्यादा से ज़्यादा निकाले, जिससे आपकी इनर चेस्ट पे आपकी पूरी लाइन ग्रो हो जाएगी, मसल ग्रो होगी। गाइज ये थी सिक्स एक्सरसाइज जो कि मैंने होमवर्क और सीरीज में चेस्ट के बारे में आपको एक एक चीज़ बताई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। इनमें से आपको कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, और आपको किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट में बताएं, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। किसी और चीज़ के बारे में जानना है, मेरे से पर्सनली बातचीत करनी है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, DM कीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, हर एक बंदे को कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय गाइस, लव यू।